राजधानी दिल्ली में आज से सावन शुरू हो गया है और शिव भक्त कावड़ यात्रा पर भी निकलना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने भी कावड़ियों के लिए राजधानी में खास इंतजाम किया है। मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरी दिल्ली में 185 कैंप लगाए जा रहे हैं और इन कैंपों में कई तरह की सुविधाएं होंगी। उन्होंने बताया कि इस साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 185 कैंप लगाए जा रहे हैं। इनमें शाहदरा जिले में 38, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 29, सेंट्रल दिल्ली में 22 और पूर्वी दिल्ली में 19 कावड़ शिविर समेत दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में पानी और शौचालय का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही यह शिविर वाटरप्रूफ टेंट से बनाए गए हैं। वहीं इन शिविरों में मेडिकल सुविधा का भी इंतजाम किया गया है। टेंट्स का अरेंजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। वहां पे कैंप्स में प्रॉपर पानी का इंतजाम और टॉयलेट्स का इंतजाम कि किसी भी प्रकार की दिक्कत जो कांवड़िए इतना लंबा डिस्टेंस तय करके पैदल बिना चप्पल पहने आ रहे हैं उनको किसी भी नहीं होनी चाहिए। तो एक हाइजीनिक अरेंजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। वाटरप्रूफ टेंट्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सावन का महीना है, अक्सर बरसात हो रही होती है, तो हाई क्वालिटी वाटरप्रूफ टेंट्स का अरेंजमेंट किया गया है। उसके अलावा जो सारे कांवड़ शिविर लग रहे हैं उसमें मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी से पैदल बिना चप्पल जूते के चल के आते हैं कांवड़िए, तो उनको कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज, कई बारी पैरों पे इंजरीज, क्योंकि मॉनसून का सीज़न है तो उसकी वजह से कई बारी वाटरबॉर्न डिजीजेस वगैरह भी हो जाते हैं। तो इन सारे शिविरों में मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं सो दैट किसी भी प्रकार की मेडिकल समस्या आए तो उसका इलाज हो सके।